Glory. Listen carefully. ध्यान से सुनिए. Believers should not do church hopping. विश्वासियों को कलीसिया में इधर उधर भटकना. चर्च हॉपिंग मीन्स गोइंग फ्रॉम चर्च टू चर्च. एक विश्वासी को इस चर्च से दूसरे चर्च में इधर उधर भागना नहीं चाहिए. बी केयरफुल, सतर्क हो जाएं. इफ ही नीड्स टू गो टू अनदर चर्च, अगर उसको एक और चर्च में जाना है, ही शुड इन्फॉर्म हिज पास्टर. जरूरी है कि पहले वो अपने पास्टर को सूचना दे. सो दैट देयर बी नो कंफ्यूजन बिटवीन दिस पास्टर एंड दैट पास्टर. ताकि दो पास्टर, जो ये वाला पास्टर है और जहां वो जाना चाहता है, उन दोनों में कोई मतभेद ना हो. It is not the pastors sometimes. कई बार ऐसा होता है कि pastors नहीं होते. It is the congregation that brings confusion. ये कलीसियाई सदस्य होते हैं जो मतभेद लाते हैं. Why? क्यों? Because of some church hoppers. क्योंकि कुछ चर्च के लोग भागे जो इस चर्च से उस चर्च में जाना चाहते हैं, वहां से निकल के कहीं और जाना चाहते हैं. You know why? आप जानते हैं कि they're not satisfied in the first place. पहली स्थान पे वो संतुष्ट है ही नहीं. They couldn't stay in one place. वो एक जगह पे टिक नहीं पाते. That's what the Bible calls them, wandering stars. इसलिए बाइबल इनको कहता है, बताता है, भटकने वाले सितारे. It's written in the Bible. बाइबल में लिखा है. They are not satisfied in one place. एक जगह पे वो संतुष्ट नहीं है. That's why you should have one church home. इसलिए आपके पास एक कलीसिया होना चाहिए, जो आपकी निजी कलीसिया हो. Are you understanding it? क्या समझ रहे हैं आप? And if by chance you have a relation in another church and you need to go to somewhere because of your job and you're visiting that church, inform your pastor. तो अगर आपको कहीं और जाना पड़े नौकरी की वजह से, या आपका कोई रिश्तेदार रहता है और आप वहां जाकर के बसने वाले हैं, तो आप इससे पहले कि उस स्थान पे जाएं, पहले सूचना दे अपने पास्टर को. इफ द बॉय ऑफ वन चर्च इज गोइंग टू मैरी अ गर्ल ऑफ अनदर चर्च, द पास्टर ऑफ दिस चर्च शुड टॉक विद द पास्टर ऑफ दैट चर्च. अगर एक कलीसिया का लड़का एक दूसरी कलीसिया के लड़की से शादी करना चाहता है, तो जरूरी है कि इस लड़के के कलीसिया का पास्टर उस लड़की के कलीसिया के पास्टर से बातचीत करे. That pastor should not be bypassed. वो पास्टर को लांग के छोड़ के नहीं जाना चाहिए. सब कर लिया, अब उसके बाद बस फेल दिया, अब शादी कर दो तो उसके बाद जो होगा भैया झेलो, भुगतो भुगतो, ऊंचो नीचो भुगतो. कुछ बात समझ में आ रही है आपके? Amen. You see, ministries have to go in harmony. आप देखिए, सेवकाइयों को तालमेल में चलना चाहिए. This is the church of the living God. This is not secret service. ये जीवते खुदाई कलीसिया है, ये कोई सीक्रेट सर्विस नहीं है. ये हिटलर की SS आर्मी नहीं है. हाँ जी, समझ में आ रही है? हाँ जी. हर सेवक खुफिया बनने की कोशिश करता है, चुपचाप चुपचाप अपना एक काम. समझ मारी आपके? अगर यही करते रहो तो मसीह की देह का क्या होगा प्यारे भाई? उन्नति नहीं, अवनति होगी. समझ मारी है? हाँ जी. और इसके बाद प्रॉब्लम कहां से आती है? एक चर्च का मेंबर दूसरे के यहां पहुंच गया. समझ मारी आपके? बहुत इंपॉर्टेंट है, भाइयों के बीच में एक मेल होना चाहिए. बैठिए, एक पॉइंट में रखूंगा, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज समझें. जब किसी पास्टर के यहां से कुछ लोग निकलें, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब वो दूसरे पास्टर को अप्रोच करें, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पूरा केस इन्वेस्टिगेट हो, ये निकले क्यों, और उन्होंने या तो निकाला या ये निकले या जो भी हुआ, ये हुआ क्यों, इससे पहले कि अगले कदम लिए जाए. सच बात है, समझ में आ रही है? कहीं ऐसा ना हो कि उस चर्च के दो चार लोगों का वो पैसा मार के निकला हो, आपको यह बताएगा मुझे तो वहां चर्ची समझ में नहीं आया, वहां तो कोई आत्मा है नहीं. आत्मा है, सब कुछ है. वो असली कारण नहीं उगलेगा अपने मुंह से. वो ये नहीं बताएगा मैं चोर हूं, मैंने पैसे मारे लोगों के. और दूसरे पास्टर से कहेगा, ब्रदर मुझे आप जैसा आत्मिक आदमी लगता नहीं, क्या मैं आपके चर्च आ सकता हूं? और तब वो दूसरा पास्टर कहता है क्यों नहीं,
क्योंकि वैसे भी इस पास्टर की उस पास्टर से बनती नहीं। आपको मालूम इससे नुकसान किसका हो रहा है? इससे नुकसान हो रहा है कलीसिया की क्वालिटी का। जब एक पास्टर ने निकाला और दूसरे के पास गया, दूसरा भी कहता है मैं भी तुम्हें नहीं लेता जाओ, फिर तीसरा कहे मैं भी आपको नहीं लेता जाओ, तब उसे अकल खुले कि ये कोई भी मुझे लेने को तैयार नहीं है। यार ये क्या चक्कर है? तब शायद अकल दुरुस्त हो कि ये मैंने जो चर्च छोड़ा या मुझे निकाला गया, मैं कौन सी दुनिया में घूम रहा हूं? यहां पे जो निकलता है उसकी तो हेंकड़ी आसमान छूती है। तुम कौन से हो गए पास्टर? अगर मैं तुम्हारा चर्च छोड़ के जाऊं ना, मेरे पास 10 हैं यूं गेंद की तरह कैच करने के लिए, कॉट मेरे साथ सजमाई। ये तो मत सोचना पास्टर जी कि आप मुझे प्रभु भोजना देके मेरा सब कुछ रोक लोगे। कोई बात नहीं, तुम्हारा एक और पास्टर है वो ग्रहण करेगा मुझे। हमारी ये शादी पढ़ दो, पास्टर को मालूम है शादी पढ़ने योग्य है नहीं, क्योंकि वहां कुछ कारण है जो वचन के कायदे को पूरा करते नहीं, तो पास्टर ने कहा मैं शादी नहीं पढ़ूंगा। कोई बात नहीं, हमारा एक दूसरा है वो पढ़ देगा। हाँ घूम रहे हैं दूसरे, आप ही के मैसेज वाले जो पढ़ देते हैं। आप बपतिस्मा मत दो, दूसरा दे देगा। यहां प्रॉब्लम हो क्या रही है? लोगों की क्वालिटी जा रही है, स्टैंडर्ड खत्म हो रहा है। हाँ जी, और लोग फायदा उठा रहे हैं पास्टरों का। तुम मत लो, दूसरा ले लेगा। अगर कोई स्टैंडर्ड बनाना शुरू कर दिया, नहीं, हम सब एक बात पे सहमत हैं और हम एक हैं और हम इसको ग्रहण नहीं करेंगे। और यहां तक भी बात है, ठीक है हमारी उस भाई से बातचीत नहीं है किसी कारणवश, लेकिन वचन के साथ तो हम एक हैं। अगर वचन ये स्मरमाता और कारण ये बनते हैं, चाहे मैं उस भाई के साथ टॉकिंग टर्म्स में हूं ना हूं, मैं फोन जरूर करूंगा उससे पता करने के लिए, ब्रदर आपके चर्च के फलाने फलाने मेरे पास आए, आप अगर उनकी सच्ची कहानी बताएं। समझ मारिए आपके, क्योंकि आपके कहे बिना मैं कुछ बात करूंगा नहीं उससे। पॉइंट समझ मारिए आपके, तब लोग घबराना शुरू करेंगे, या तो जाएंगे वापस डिनोमिनेशन में जहां तो खैर सब कुछ ही होता है, या फिर घुटना तोड़ के रिपेंट करके लौटेंगे, भैया माफ करो हम गलत थे। लेकिन जब ये गेंद कैच करने वाला सिस्टम चालू रहता है, तुम नहीं तो तुम नहीं तो तुम, कोई माफी पे घुटना टेकने पे आता ही नहीं और कभी नहीं आएगा, लिख लो नहीं आएगा। वो हमेशा यही कहता रहेगा मैं तो ठीक था, और जब भी चर्च छोड़ेगा यही कहेगा ये तो मुर्गी का दड़बा था, मैं उकाब हूं उड़ने के लिए, मेरा पुराना पास्टर दड़बे में फंसा के रखा। निकलने वाला हमेशा यही कहता है कि जिस कलीसिया से निकला वो दड़बा था, असली उकाब तो मैं हूं। समझ मारी है? मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं भाई, अब आज अंत के समय ये भटकने और भटकाने वाली आत्माएं बहुत ज्यादा तेजी से घूम रही हैं। मेरी दुआ है हमारा कोई भी भाई या बहन ऐसी भटकाने वाली आत्माओं के चक्कर में आ ना जाए, क्योंकि रैप्चर खटाई में पड़ जाएगा। आपकी बात समझ में आ रही है? और जब आप और आपका पास्टर, जब आप और आपके अगुए जिनके साथ आप जुड़े हैं एक हो गए, आप पावर को ऑपरेट करते तो देखिए। खुदावन कैसे जवाब देते हैं आप देखते जाइए, खुदावन सरफराज कर रहे हैं और भी आगे सरफराज करेंगे। आमीन। सो गॉड रियली ब्लेस यू। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। संदेश तो आप सुनते ही रहते हैं, केवल कुछ बातचीतें जो मैंने चाहा कि संदेश से मैं आपके सामने रखूं,
और मैं विश्वास करता हूं कहीं ना कहीं किसी का फायदा जरूर हुआ होगा. सो गॉड रियली ब्लेस यू. इन आत्माओं से हमेशा बच के रहना. ये आत्माएं कहीं की नहीं छोड़ती. लेकिन हां, जब आपके पास जेन्युइन होली गोस्ट है और आप वचन के साथ मिलके चल रहे हैं और खुदा ने जिस अगुए को रखा उसके साथ समझ मारी आपके, तो आप ये लिख लें, आप उन्नति के तरफ बढ़ चुके और उन्नति पे उन्नति पे उन्नति आपको मिलती चली जाएगी. उन्नति आपके कदम चूमेगी, सफलता आपके कदम चूमेगी, रैप्चर दौड़ता हुआ आपके पास हाथ मिलाने आएगा और आप यहां से उड़ के सीधे जाओ चाहोगे. फिर अभिषेक मांगना नहीं पड़ेगा, अभिषेक अपने आप आएगा. ओ भाई, कई बार एक ही आवाज सुनते 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 आदमी कभी बोर हो जाता है. कभी उसने ये सोचा कि इस आवाज के पीछे एक और आवाज है. जब ये रेवलेशन मिल जाएगा वो आवाज से बोर नहीं होगा. नो, उसे मालूम है कि बोल कौन रहा है. गॉड ब्लेस यू.